ट्रेन के लंबे इंतजार और सफर को पूरा करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ जम्मू रेलवे स्टेशन, जहाँ पे मेरी मुलाकात होती है इन भाईजान से, जिनके पास इतना सामान देखकर मैं घबरा जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत सही हूँ जो इतने से सामान में इतना ट्रैवल कर लेती हूँ। अब इससे खुश होकर मैं जैसे ही आगे बढ़ती हूँ और स्टेशन से बाहर आती हूँ कि टैक्सी वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन मैं सबकी बातों को दरकिनार करते हुए आगे बस की तलाश में बढ़ जाती हूँ। लेकिन मैं जा रही थी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा, और जहाँ के लिए मुझे सिर्फ 85 रुपए में 50 कदम चलने पर ही बस मिल जाती है, जो अपनी कैपेसिटी से 1-2 सीट ज्यादा फुल होने पर चल देती है। बस कुछ ही दूर मैं चली ही होती हूँ कि अचानक से ये लोग आ जाते हैं। कहाँ से ये लोग आ गए, क्यों आ गए और आगे होने क्या वाला है, ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।